हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आज सीखे हम ये लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाएंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें दो पार्ट आएंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट में हम ये कंप्लीट करेंगे और सेकंड पार्ट में पूरा ये ड्रेस कंप्लीट होगी। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। मैंने चोली बना ली है, आप किसी भी साइज़ के लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बना सकते हो, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर लेना, ठीक है। तो हम यहाँ से इधर साइड में आ गए। अब साइड में आने के बाद हम यहाँ पर थ्री चेन लेंगे, वन टू एंड थ्री। थ्री चेन लेने के बाद यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनानी है चेन में। तो ये डबल क्रोशिया बनाई, तो थ्री चेन और डबल क्रोशिया मिला के हमारे टू हुए, ठीक है। फिर जस्ट बगल में आएंगे, यहाँ पे भी बनाएंगे, टू डबल क्रोशिया बनानी है, वन एंड इसी में जाएंगे एक बार और टू। फिर दूसरी चेन में आएंगे यहाँ पे, तो हमें हर चेन में फर्स्ट रो में डबल डबल बार डबल क्रोशिया कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो इस तरह से हम रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने देखिए थ्री चेन ले लिया। थ्री चेन लेने के बाद यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनानी है, तो ये डबल क्रोशिया बनाया, फिर यहाँ डबल क्रोशिया बनाया, और यहाँ पे हम नीचे से लेंगे फ्रंट पोस्ट ले लेंगे, तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट बन गया। फिर डबल क्रोशिया बनानी है, वन टू थ्री, और यहाँ से नीचे से ले लेंगे, तो ये हमारी फ्रंट पोस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है और तीन डबल क्रोशिया बनानी है। फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू एंड थ्री। थ्री डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें नीचे से यहाँ से फ्रंट पोस्ट लेना है और फ्रंट पोस्ट कंप्लीट करना है। फिर जस्ट बगल में आएंगे, यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री, और यहाँ से नीचे से आएंगे और यहाँ फ्रंट पोस्ट ले लेंगे। बहुत सुंदर मजा आ रहा है। तो इस तरह से हम ये राउंड कंप्लीट करना है। तो देखिए थ्री डबल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन बार और टू बार। टू बार हमें डबल क्रोशिया बनानी है, और नीचे से हम ये वाली जो फर्स्ट रो है यहाँ इसको पिक करेंगे, नीचे डबल क्रोशिया को, यहाँ पे हमें फ्रंट पोस्ट बना लेना है। फिर जस्ट बगल में आना है, यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू, और नीचे से ये नीचे वाली रो में आएंगे, यहाँ से हम फ्रंट पोस्ट ले लेंगे। तो एक दो हमें ऊपर डबल क्रोशिया बनानी है और नीचे से हमें फ्रंट पोस्ट ले लेना है, वन टू, और यहाँ पे फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू, और नीचे से आएंगे यहाँ पे हमें ये फ्रंट पोस्ट ले लेना है। तो इस तरह से हमें रो कंप्लीट करना है। ये हमें दो डबल क्रोशिया बनानी है और नीचे वाली रो से हमें फ्रंट पोस्ट पिक करना है और फ्रंट पोस्ट बना लेना है। तो रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हम लास्ट में आ गए हैं और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया लेंगे, वन टू। टू लेने के बाद हमें ये नीचे से फ्रंट पोस्ट पिक करना है, तो हम ऐसे ये यहाँ पे पिक करेंगे फ्रंट पोस्ट, और सीधे हमें ये थ्री चेन में ले जाके यहाँ पे ज्वाइन कर देना, तो स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा बेस सेकंड रो कंप्लीट हुआ। अब हमें यहाँ पे फिर से वन चेन लेना है, टू चेन लेना है, थ्री चेन लेना है। थ्री चेन लेकर के पहले हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये हम यहाँ पे एक इंक्रीज कर लेंगे। तो वन इंक्रीज किया हमने,
टू था, तो यहाँ पे हमारा थ्री हो जाएगा। तो वन, ये थ्री हमने किया, और यहाँ पे फ्रंट पोस्ट पे हम फ्रंट पोस्ट ले लेंगे। फिर देखिए हम यहाँ पे ऐसे उठाएंगे, वन डबल क्रोशिया, टू एंड थ्री। थ्री करने के बाद हम फ्रंट पोस्ट पिक करेंगे और फ्रंट पोस्ट लेकर के यहाँ पे फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। फिर नीचे से यहाँ पे हमें ऊपर पहले चेन में डबल क्रोशिया बनाना है, वन टू एंड थ्री। बनाने के बाद अब फ्रंट पोस्ट पिक करेंगे, यहाँ से हम फ्रंट पोस्ट ले लेंगे। तो इस तरह से हमें रो कंप्लीट करना है। हम कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हम लास्ट में आ गए हैं, और यहाँ पे हम पहले फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो ये फ्रंट पोस्ट है, इसको पिक करना है और यहाँ पे फ्रंट पोस्ट बनाना है। फ्रंट पोस्ट बनाने के बाद थ्री चेन में ले जाके यहाँ पे हम ज्वाइन कर देंगे। अब ज्वाइन करने के बाद वन टू एंड थ्री, थ्री चेन लेकर के यहाँ पे हमें पहले डबल क्रोशिया बनानी है, वन टू थ्री। तो यहाँ पे मेरे टू थे, यहाँ थ्री थे, यहाँ ये फोर हो गए थ्री चेन मिला के, ठीक है। और यहाँ पे ये हम फ्रंट पोस्ट पिक कर लेंगे और फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट पोस्ट बना। फिर से हम यहाँ पे डबल क्रोशिया फोर टाइम बनाएंगे, हर चेन में जाएंगे। तो जितनी चेन दिख रही है यहाँ पे बनाएंगे, और ये जो हमारी डबल क्रोशिया के जस्ट बगल में यहाँ पे भी एक बना लेंगे। तो हमारी ये फ्रंट पोस्ट फिर पिक करेंगे और फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। तो फोर फोर करके हमें ये रो कंप्लीट करना है। तो इस तरह से हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो ये कि मेरी फोर्थ वन टू थ्री फोर, फोर रो कंप्लीट करिए, फाइव है। तो हमने थ्री चेन लिया है, यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन। तो फिर से हम वन इंक्रीज करेंगे, टू थ्री। तो ये थ्री चेन मिला के हमारी ये फोर हुई, और एक ये फाइव। तो इस रो में, फाइव वाली रो में हम फाइव डबल क्रोशिया करेंगे और फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमें ये रो जैसे फाइव में फाइव बनाएंगे, सिक्स में सिक्स बनाएंगे, तो ऐसे करके रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पे ले जा करके हम थ्री चेन में इसको ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद अब इसमें हमें येलो थ्रेड लगाना है, और हम इसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। और ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे थ्री चेन लेना है, थ्री चेन लेकर के यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू। अब ये थर्ड वाले में आएंगे, तो हमने थ्री, हमें थर्ड वाले में यहाँ आना है, यहाँ पे हमें दो बार बनाना है। एक बार बनाया, फिर इसी में दो बार बनाया, क्रोशिया बनाएंगे, वन डबल क्रोशिया, और एक यहाँ पे एक बार और डबल क्रोशिया बनाया, दो डबल क्रोशिया बनाया, वन चेन लेंगे, टू चेन लेंगे, थ्री चेन लेंगे। थ्री चेन लेकर के यहाँ पे आना है और लूप लेना है लंबा लंबा, वन टू एंड थ्री। थ्री लेकर के यहाँ पे ऐसे ज्वाइन करेंगे, वन टू एंड थ्री, थ्री चेन लेकर के, और फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया के ऊपर जाना है और ज्वाइन कर देना है। फिर वन चेन लेना है, टू चेन लेना है, और यहाँ पे फिर से लूप लेना है, वन टू थ्री, थ्री लूप लेना है ऊपर से और नीचे से ज्वाइन करेंगे। वन लूप लेंगे, वन चेन लेंगे, टू चेन लेंगे, थ्री चेन लेंगे, और यहाँ पे हम ला करके ज्वाइन कर देंगे। तो दो पफ ऐसे ही पेटल कंप्लीट हुए। फिर से यहाँ पे हम वन चेन लेंगे, टू चेन लेंगे, थ्री चेन लेंगे, थ्री चेन ले करके अब हमें मिड में आना है। मिड में हम ऐसे करके पीछे से ऐसे पकड़ लेंगे वी शेप के, इधर हमें बनाना है, वन टू एंड थ्री, थ्री लेकर के ज्वाइन करना है। ज्वाइन करके हम यहाँ पे वन चेन लेंगे, टू चेन लेंगे, थ्री चेन लेंगे, और फिर से यहाँ पे हम ज्वाइन कर देंगे, वन चेन, टू चेन, थ्री चेन, थ्री चेन लेकर के फिर से यहाँ पे वन टू एंड थ्री, थ्री लेंगे और यहाँ पे
ज्वाइन करेंगे, वन चेन लेंगे, टू चेन लेंगे, थ्री चेन लेंगे और यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। तो हमारी ये पेटल कंप्लीट हुए। अब यहाँ पे डबल क्रोशिया जो हमने डबल बनाई थी, एक में कर लिया, अब दूसरे में आएंगे, यहाँ पे इसे ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पे वन चेन लेंगे, टू चेन लेंगे, थ्री चेन लेंगे और यहाँ पे फिर से हम डबल क्रोशिया, थ्री टाइम लूप लेना है, लूप लेकर के यहाँ पे हमें ज्वाइन करना है, थ्री चेन लेना है और थ्री चेन लेकर के फिर से यहाँ पे आना है और यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। वन चेन लेना है, टू चेन लेना है, थ्री चेन लेना है, थ्री चेन लेकर के यहाँ फिर से हम लूप लेंगे, वन टू एंड थ्री, थ्री चेन लेकर के यहाँ ज्वाइन करेंगे, वन चेन लेंगे, टू चेन लेंगे, थ्री चेन लेंगे और यहाँ पे लूप मिड में आएंगे, ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद अब देखिए हम टर्न होंगे, तो पहले हम यहाँ पे एक वन चेन ले लेंगे, वन चेन लेकर के अब हमें ये जो डबल क्रोशिया है इस पे हमें डबल क्रोशिया बनानी है। डबल क्रोशिया बनाई, फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाया, थ्री टाइम डबल क्रोशिया बना के वन चेन लेना है, टू चेन लेना है, फिर जस्ट बगल में आना है। हम फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट नहीं बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे टू चेन लेकर के हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन डबल क्रोशिया, टू एंड थ्री, थ्री डबल क्रोशिया बनाया और फोर वाले में हम डबल क्रोशिया टू टाइम बनाएंगे, वन एंड टू, टू टाइम बना लिया। अब वन चेन लेना है, टू चेन लेना है, थ्री चेन लेना, ये दो डबल क्रोशिया के मिड में आना है और ये ऐसे लंबे लंबे हमें लूप लेने हैं, वन टू एंड थ्री, थ्री लेकर के ज्वाइन करेंगे, वन टू एंड थ्री, थ्री चेन लेकर के यहाँ पे हमें ज्वाइन कर देना है, वन चेन लेना है, टू चेन लेना है, थ्री चेन लेना है, थ्री चेन लेकर के फिर से यहाँ पे हम लंबे लंबे थ्री टाइम लूप लेंगे, टू एंड थ्री, थ्री लेकर के ज्वाइन करना है, ज्वाइन करके वन टू एंड थ्री, थ्री चेन लेकर के फिर से इसी डबल क्रोशिया में हम ज्वाइन कर देंगे। अब फिर से वन टू एंड थ्री, थ्री चेन लेंगे, ये मिड में आएंगे और डबल क्रोशिया के मिड में ऐसे हमें हुक को डालना है और यहाँ से हम फिर से डबल क्रोशिया पिक करेंगे, नहीं लूप लेंगे लंबे लंबे, टू एंड थ्री, थ्री लेकर के यहाँ ज्वाइन करना है, वन टू एंड थ्री, थ्री चेन लेकर के हम यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देंगे, वन चेन लेना है, टू चेन लेना है, थ्री चेन लेना है, फिर से यहाँ पे लंबे लंबे लूप लेंगे, वन टू थ्री, थ्री लेकर के यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, वन टू एंड थ्री, थ्री लेकर के यहाँ पे हमें इसको ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद फिर से वन टू एंड थ्री, थ्री चेन लेकर के अब ये डबल क्रोशिया के आना है, जो दूसरी डबल क्रोशिया है इसको पिक करेंगे और यहाँ पे फिर से दो पेटल बनाएंगे, वन लूप, टू लूप एंड थ्री लूप, थ्री लूप लेकर के ज्वाइन करना है, ज्वाइन करके वन टू एंड थ्री, थ्री करके यहाँ पे हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब फिर से हम यहाँ पे वन टू एंड थ्री, थ्री चेन लेकर के यहाँ हमें लंबे लंबे थ्री टाइम लूप लेना है, लूप लेने के बाद ज्वाइन करेंगे, वन चेन लेंगे, टू चेन लेंगे, थ्री चेन लेंगे और यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर देंगे। अब ज्वाइन करने के बाद हम टर्न से वर्क को करेंगे और यहाँ से हम सीधे डबल क्रोशिया के ऊपर आना है और यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया पिक करके बना लेनी है। टू चेन लेना है और यहाँ पे फिर से डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है, हम लास्ट में आ गए। आपको शुरुआत में समझ में नहीं आ रहा था तो यहाँ से देखिए हम क्लियरली आपको समझा रहे हैं। यहाँ से हमने टू चेन लिया, डबल क्रोशिया बनाई, यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे तो हमें थ्री टाइम डबल क्रोशिया बनानी है। थ्री टाइम डबल क्रोशिया बनाया, अब हमें फोर वाले में डबल क्रोशिया बनानी है, वन और फिर इसी में एक बार और,
तो ये टू हमने डबल क्रोशिया बनाई। अब टू डबल क्रोशिया बनाने के बाद वन चेन लेना है, टू चेन लेना है, थ्री चेन लेना है। थ्री चेन लेकर के जो डबल बार डबल क्रोशिया बनाई इसमें जाएंगे और यहाँ पे लंबे लंबे तीन बार लूप लेंगे पफ बनाने के लिए। तो ये थ्री टाइम हमने लिया, इसको ज्वाइन किया, यहाँ पे ज्वाइन करेंगे वन टू एंड थ्री, थ्री लेकर के यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर देंगे। फिर यहीं पे वन टू एंड थ्री, थ्री चेन लेकर के यहाँ पे हम फिर से पफ बनाएंगे, वन टू एंड थ्री, थ्री लेकर के यहाँ ज्वाइन करना है, फिर से यहाँ पे थ्री चेन लेना है, थ्री चेन लेकर के फिर वहीं डबल क्रोशिया के ऊपर जाके ज्वाइन कर देना है। अब फिर से हम वन टू एंड थ्री, थ्री चेन लेकर के अब ये जो डबल क्रोशिया बनाई है उसकी चेन में आना है और यहाँ से ऐसे हुक को डालना है और डाल करके यहाँ पे अब हमें डबल लूप बनाना है, लंबे लंबे लूप लेके पफ बनाना है फिर से। तो तीन बार बनाया, तीन बार लूप लेकर के यहाँ ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करके यहाँ पे फिर से थ्री चेन लेंगे और थ्री चेन लेकर के यहाँ पे हमें ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद वन टू एंड थ्री, फिर से इसमें एक और पफ बनाएंगे, वन टू एंड थ्री, थ्री लेकर के यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, वन टू एंड थ्री, थ्री करके यहाँ पे फिर से ज्वाइन कर देंगे नीचे चेन में। अब ये जो डबल क्रोशिया दूसरी वाली है इसको पिक करना है, तो वन टू एंड थ्री, थ्री चेन लेकर के यहाँ से हमें इसको पिक करते हुए इसमें पफ बनाना है, वन लूप टू एंड थ्री, थ्री लेकर के हमें इसको ज्वाइन करना है और थ्री चेन लेकर के फिर से यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा पफ बन गया, फिर वन टू एंड थ्री, और यहाँ फिर से पफ बनाएंगे, वन टू थ्री, थ्री बनाने के बाद ज्वाइन करेंगे, वन टू एंड थ्री, थ्री करके यहाँ पे फिर से हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमने वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स हमने ये बना लिए। अब बनाने के बाद हम इसको टर्न करेंगे, तो देखिए टर्न करने पे ये हमारे ऊपर आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने डबल क्रोशिया यहाँ बनाया, इधर डबल क्रोशिया बनाया, इधर नीचे बनाया दो, और फिर इधर वाली डबल क्रोशिया को बनाया। अब यहाँ से हम लूप लेंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बैक में आके वर्क में कर लेनी है, वन डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया एंड ये थ्री डबल क्रोशिया। थ्री डबल क्रोशिया करने के बाद अब हमें चेन बनाना है, वन एंड टू, टू चेन बना करके फिर हमें डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया बना लेनी है, वन टू एंड थ्री, थ्री डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब फिर से हम फ्लावर बनाएंगे। तो हम यहाँ मिड में आना है, यहाँ डबल क्रोशिया दो बार बनानी, वन बार एंड इसी में टू बार, टू बार बनाने के बाद वन टू एंड थ्री, थ्री चेन लेकर के पफ बनाना है, यानी डबल क्रोशिया को पिक करेंगे और इसमें हमें पफ बनाना है, वन टू एंड थ्री, थ्री करके ज्वाइन करेंगे, वन टू एंड थ्री, और फिर इसी में ले जाके ज्वाइन कर देंगे। तो ये मेरा एक पफ बना, वन टू थ्री, थ्री लेकर के फिर से इसमें हमें पफ बनाना है, वन टू एंड थ्री, थ्री करके ये ज्वाइन करेंगे, वन टू एंड थ्री, थ्री चेन लेकर के फिर यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। तो मेरे ये दो पेटल बन गए, ठीक है। फिर वन टू एंड थ्री, थ्री चेन लेकर के अब ये जो वी है हमने डबल क्रोशिया जो बनाई दो बार उसके मिड में ये चेन है इसमें हमें ऐसे करके हुक को डालना है और यहाँ से पिक करते हुए हमें पफ बनाना है, वन टू एंड थ्री, थ्री करने के बाद यहाँ ज्वाइन करेंगे, वन टू एंड थ्री, और यहाँ पे फिर से पफ बना देंगे। तो ये मेरा तीसरा पफ बना, वन टू एंड थ्री, थ्री चेन लेकर के फिर इसी चेन में एक बार और पफ बनाना है, वन टू एंड थ्री, थ्री लेकर के यहाँ ज्वाइन करना है, वन टू एंड थ्री, और यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देंगे। अब ये जो डबल क्रोशिया है इसको पिक करना है, तो वन टू एंड थ्री, और यहाँ पे हम इसको पफ बना लेंगे, वन टू थ्री, ज्वाइन करेंगे, वन टू एंड थ्री, और यहाँ पे ये पांचवा पफ बना लिया। अब फिर से हम यहाँ चेन लेंगे, थ्री चेन लेकर के यहाँ पे हमें फिर से पफ बनाना है, वन टू
थ्री, ज्वाइन किया वन टू एंड थ्री और यहाँ एक और पफ बना दिया। अब ये मेरा ऊपर है और इसको हमें डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो यहाँ चेन में आएंगे जहाँ हमारी डबल क्रोशिया पिक करना है और यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे वन टू एंड थ्री। अब देखिए हमें लास्ट बनाना है तो लास्ट हम वन चेन लेंगे टू चेन लेंगे, टू चेन लेकर के यहाँ फिर से पहले डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पे फोर वाले में डबल क्रोशिया दो बार बना लेंगे वन एंड टू। टू बना लिया, वन चेन लेंगे टू चेन लेंगे थ्री चेन लेंगे, थ्री चेन लेकर के अब यहाँ पफ बनाना है वन टू एंड थ्री, थ्री करके यहाँ ज्वाइन करेंगे वन टू एंड थ्री, थ्री करके यहाँ पे हम पफ बना लेंगे। वन टाइम बनाया, अब वन पफ बनाया, थ्री चेन लेंगे और फिर से यहाँ पे पफ बनाएंगे वन टू थ्री, वन टू एंड थ्री और यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे वन टू एंड थ्री और यहाँ पे पफ बनाएंगे वन टू एंड थ्री और यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे वन टू एंड थ्री और यहाँ पे ले जाके ज्वाइन करना है। तो ये हमारे हमें दो पफ हमें डबल क्रोशिया पे बनाने हैं फिर, ठीक है, और फिर थ्री चेन लेकर के हमें ये मिड में आना है और यहाँ पे हमें दो बार पफ बनाने हैं, एक वन टू एंड थ्री ज्वाइन करेंगे वन टू एंड थ्री और यहाँ पफ बना लेंगे और फिर से वन टू एंड थ्री, यहाँ पफ बनाना है वन टू एंड थ्री ज्वाइन करेंगे वन टू एंड थ्री और यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद फिर से वन टू एंड थ्री, थ्री लेकर के अब ये डबल क्रोशिया पे आएंगे, यहाँ पे हमें फिर से पफ बनाना है वन टू एंड थ्री, थ्री लेकर के ज्वाइन करेंगे वन टू एंड थ्री और यहाँ पे फिर से पफ बना लेंगे, एक बार और पफ बनाना है वन टू थ्री और यहाँ पे पफ बनाएंगे वन टू एंड थ्री, ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करके वन टू एंड थ्री और यहाँ पे पफ बना लेंगे। अब ये हम सीधा ले आएंगे फ्रंट में और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना के वर्क को कंप्लीट करेंगे। ये दो चेन लेके अब थ्री चेन में यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन करके अब ये हम थ्रेड कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने थ्रेड इसको हमें कट करके निकाल लेना है और ये हम फर्स्ट पार्ट में इतना ही कंप्लीट करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो सेकंड पार्ट में हम इसका पूरा फुल वीडियो इसकी डालेंगे और पग भी डालेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और सेकेंड पार्ट देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय श्री कृष्णा।